सो लिखो जल्दी से अपनी कॉपीज में, लिखो क्वेश्चंस, लिखो जल्दी से, व्हाट इज प्यूबर्टी, लिखो क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज प्यूबर्टी, एंड एट्थ ए स्टूडेंट इज उदीप। उदीप कम टू द माइक, जल्दी से आ जाओ एंड टेल मी व्हाट इज प्यूबर्टी। मैम, द एज एट विच द बॉडी बॉडी अंडरगो सेक्सुअल मैच्योरेशन। बिल्कुल ठीक है। एट्थ डी, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? नो, फिर अपनी, बेटा एक मिनट हम ये देखें। एट्थ डी, चलिए जी बाकी देखिए। सो प्यूबर्टी इज सेक्सुअल मैच्यूरेशन, बिल्कुल ठीक है। इट सेक्सुअल मैच्यूरेशन द स्टेज, यू कैन राइट डाउन, ये आपने लिखा होगा, द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल एट विच द सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर। जिसने नहीं लिखा वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन प्यूबर्टी, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो द एज एट विच द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल एट विच द सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हॉर्मोन्स, नेम द हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी। नेम द हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी। यस अगेन सेवेंथ ए स्टूडेंट इज तरुण, तरुण इज देयर, आ जाओ बेटा जल्दी से। बेटा मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ जी एट्थ ए, हाँ बोलो बेटा। हाँ सेक्सुअल हार्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स, बिल्कुल ठीक है। बताइए जल्दी से, मुझे बता दो तरुण, विच इज द सेक्स हॉर्मोन इन ह्यूमन मेल्स टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल्स में? फीमेल्स में कौन सा, किसी से नहीं, अपने आप? हाँ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल ठीक है। सो आंसर इज, यहाँ पे अब हम दो हॉर्मोन्स, मेल तो है, नेम द हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी। आंसर सेक्स हॉर्मोन्स तो है ही है, फर्स्ट इज सेक्स हॉर्मोन्स एंड सेकेंड इज ग्रोथ हार्मोन। बेटा अगर एक ही, लिसन टू मी क्लियरली, अगर एक हार्मोन के बारे में पूछा हुआ है तो आपने सेक्स हार्मोन्स पहले लिखना है, फिर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। जल्दी से जो बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं जल्दी से सेटल डाउन, सेटल डाउन इन द क्लासेस क्विकली। सो विच व्हाट कॉजेस प्यूबर्टी इन ह्यूमंस? सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, है ना, एंड विच सेक्स हॉर्मोन्स मेल और फीमेल्स में, आपको पता है, अनदर इज ग्रोथ हॉर्मोन। आई होप एवरीबडी हैज रिटन दिस, समझो भी और लिखो भी। थर्ड सिक्रीशन ऑफ, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, और फिर हम पूछते हैं, ये हमने पूछना है
एट्थ बी में से सुमित, एट्थ बी सुमित, पहले लिख लो फिर आ जाओ, पहले आप क्वेश्चन भी लिख लो आंसर भी लिख लो। आ जा बेटा सुमित, बता दे बच्चे आप, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स अकर्स बाय, कहाँ पे सिक्रीशन होती है? बेटा आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो है, बट कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड? सेक्स हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं हम। विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स? मैं आपको देती हूँ, वो बताती हूँ, ऑप्शंस बताती हूँ। टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज, बिल्कुल बात ठीक है, आपने यही रहना है। दैट इज बाय गोनैड्स और बाय सबने सेक्स ऑर्गन्स, या फिर टेस्टीज एंड ओवरीज, बिल्कुल ठीक है, बट इसमें से कुछ भी आ सकता है। इनका क्या नाम है? सेक्स ऑर्गन्स एंड व्हाट दे आर आल्सो कॉल्ड एज गोनैड्स। नेक्स्ट इज सुमित, विच आर कंट्रोल्ड बाय, सेक्स ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय, यस, सेक्स ऑर्गन्स को फर्दर कौन कंट्रोल करता है? सुमिता बैठो। नेक्स्ट इज रामकृष्ण फ्रॉम सेम क्लास, आ जाओ बेटा। यस मैम। बेटा विच ग्लैंड, मैं थोड़ा सा और आपको स्पेसिफिक आंसर चलेंगी, विच एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल्स द गोनाड्स? नाउ टेल मी विच इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा एक चीज याद रखो, गोनैड्स जो है, ओवरीज एंड सब, इधर देखो, लिसन मी, ओवरीज एंड टेस्टीज आर आल्सो ग्लैंड्स, है ना, ये भी तो ग्लैंड्स ही है ना, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट करती है। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। नाउ टेल मी, रामकृष्ण किधर चले गए? आजा आजा बेटा, तुम इधर आओ, आजा। अब बताओ मुझे, टेस्टीज एंड ओवरीज आर कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? नहीं भी आपको पता तो पता है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी। बैठो बेटा, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सो सेक्स ऑर्गन्स या गोनाड्स आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड देन एट सी समदिशा, एट्थ सी, कहाँ पे बच्चे बैठे हैं एट्थ सी के? आ जा बेटा, आ जा, आ जा। टेल मी वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट? एट द बेस ऑफ द ब्रेन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एट द बेस ऑफ स्कल भी हम कह सकते हैं, बेस, स्कल इज ज्यादा करेक्ट, राइट? सो सेक्स हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय गोनैड्स, गोनैड्स आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल। एंड रिमेंबर दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, किसी को नहीं पता तो लिख लो, राइट डाउन, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, लार्जेस्ट इज थायरॉयड ग्लैंड। देखो, है ना, एक कबीर जी का दोहा था ना, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पढ़ा है आपने कि नहीं, है ना? देखो, और छोटा, है ना, वो बड़े की बात कर रहा है, मैं छोटे की बात कर रही हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, राइट? देन नेक्स्ट आ जाइए, जल्दी से राइट डाउन दिस, आपने इसमें क्या करना है? ये मैंने करेक्टर्स दिए हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स है ये, दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, एंड यू हैव टू राइट डाउन कि ये वाले करेक्टर्स मेल में है, कि ये फीमेल में है, कि ये करेक्टर दोनों में होते हैं, राइट डाउन दिस क्विकली।
इधर उधर देखना नहीं है, जितना आपको याद है यू हैव टू नोट डाउन दैट। देन बेटा करें हम 8th सी कार्तिक। 8th सी कार्तिक आजा बेटा। जल्दी से मुझे बताओ, फेशियल हेयर मेल्स की फीमेल्स? आवाज आ नहीं रही बेटा। मेल्स बिल्कुल ठीक है, इट इज मेल्स। और एक और बता दो, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट मेल्स की फीमेल्स? फीमेल फीमेल्स बिल्कुल ठीक। बैठो बेटा, 8th डी वाले स्टूडेंट्स कहाँ पर है? रेज योर हैंड्स। ओके, 8th डी भव्या एंड मंदीप। 8th डी भव्या एंड मंदीप आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। एंड टेल मी, ब्रॉड चेस्ट मेल्स की फीमेल्स? मेल्स, वेरी गुड। मैं ये वाला साइन बना रही हूं मेल्स का। नेक्स्ट स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड स्वेट स्वेट मींस पसीना आपको पता है, एंड ऑयल ग्लैंड्स किसमें है? मेल्स में, फीमेल्स में नहीं है बेटा, ये दोनों में होती है। फीमेल्स में भी पिंपल्स होते हैं, ठीक है, मेल्स में भी पिंपल्स आते हैं ड्यू टू मोर डेवलपमेंट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये दिस इज बोथ मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट आ जाइए 8th ई, नवकरण एंड समृद्धि। 8th ई नवकरण एंड समृद्धि। एक्सेंट हाँ जी बेटा, दोनों ही एक्सेंट है। नवकरण आ जा बेटा, नवकरण आप बताओ बेटा। मेंस्ट्रुएशन किसमें है, मेल्स की फीमेल्स? फीमेल्स। नेक्स्ट कोई बताए, है ना, नेक्स्ट जल्दी से, जिन जिनके पास माइक जिसके अप्रोच में है वो फटाफट से बताएं। पेल्विक हेयर, पेल्विक हेयर होता है हेयर इन बिटवीन लेग्स, यस। 8th जी में से कोई बताए? हाँ, बोथ बोथ बिल्कुल ठीक है, इट इज बोथ एडम्स एप्पल। एलमील मेल, सबको पता है ना एडम्स एप्पल, यहाँ पे प्रोट्रूजन है गले में किसके, मेल्स के होती है, आवाज उनकी भारी हो जाती है, सो इट इज मेल्स। बोन्स एंड मसल्स इलोंगेशन, यस। बोथ ना बोथ नहीं है, फीमेल्स में नहीं,
मेल्स में जो है देयर इज मोर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल, राइट? डन एवरीबडी, चले आगे नेक्स्ट इज, लिखो फटाफट से. मेन साइन ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन फीमेल्स इज डैश. मिनार्क क्या है, मीनोपॉज क्या है, कॉज ऑफ मीनोपॉज क्या है. गिविंग यू 2 मिनट्स. मिनार्क, मीनोपॉज, इनकी डेफिनेशन. ऊपर टॉपिक लिख लीजिए, प्यूबर्टी इन फीमेल्स. अब हमने बात करना है प्यूबर्टी इन ह्यूमन फीमेल्स. जिसको ये साइन में कंफ्यूजन है वो साथ में लिख लो, पिल्स. प्यूबर्टी इन ह्यूमन फीमेल्स. एट्थ एफ, हविशा एंड गुरप्रीत. आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से. हविशा एंड गुरप्रीत. सो व्हाट इज द मेन साइन ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन फीमेल्स, बोलिए. माइक ऑन करो और जोर से बोलो. मेंसुरेशन. मेंस्ट्रुएशन. मेंसुरेशन नहीं, मेंसुरेशन तो मैथ्स में पढ़ते हैं हम. इट इज मेंस्ट्रुएशन. स्पेलिंग ठीक करना है. यस, नेक्स्ट स्टूडेंट. हां जी, व्हाट इज मिनार्क? छोड़ो, बाकियों की कॉपी छोड़ो. अगर पता है तो बोलो, नहीं तो मैं बताती हूँ. द बिगिनिंग ऑफ मनार्च ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, ठीक है, दैट इज मिनार्क. ठीक है, जब फीमेल्स को, जब लड़कियों को पहली बार पीरियड शुरू होते हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, ब्लीडिंग शुरू होती है, ठीक है. ये नहीं सोचना कि हाय मैम क्या पढ़ा रही है, नहीं, समझो. गर्ल्स, उनको समझने की जरूरत है क्योंकि दीज आर द चेंजेस इन द फीमेल्स. बॉयज ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज द डिफरेंस इन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है ना. तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं. मीनार, द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स हम कह देते हैं, एट प्यूबर्टी इज मीनार्क. पॉज का मतलब होता है रुकना. टिक. एट जी, दीपिका. दीपिका एंड परमवीर. यस, जल्दी से मुझे बताइए मीनोपॉज क्या है. द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज. यस यस, बैठो बेटा. इट इज परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकल्स एट द एज ऑफ, पूरा लिखना है ये, एट द एज ऑफ 45 to 50 years इज कॉल्ड एज मीनोपॉज, है ना, इज कॉल्ड एज मीनोपॉज. अच्छा मुझे बताइए बेटा, एक और टर्म आ जाती है यहां पे नाइन्थ में हम, दैट इज
रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, इन ह्यूमन मेल्स इज कॉल्ड एज, बेटा ह्यूमन मेल्स जो है उनमें स्पर्म्स बनने कोई प्रॉब्लम हो तो, और है हेल्थ प्रॉब्लम हो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट दे प्रोड्यूस स्पर्म्स थ्रू आउट लाइफ, वेयर एज आफ्टर मीनोपॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल्स. सो मेल्स रिमेन फर्टाइल थ्रू आउट, बट देयर इज रिडक्शन इन फर्टिलिटी, स्पर्म्स की क्वालिटी, स्पर्म्स के नंबर में धीरे धीरे कमी आ जाती है. बट वट इज दैट, फीमेल्स में तो हम क्या रहते हैं मीनोपॉज, बट रिड्यूस्ड फर्टिलिटी इन ह्यूमन मेल्स इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? एनीबडी रेज योर हैंड्स. इट इज कॉल्ड एज एंड्रोपॉज. ठीक है, मेल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एंडर कॉल्ड एज एंड्रोपॉज. गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत टाइम हम सुनते हैं, है ना, शी इज ए गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे आज गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है. गायनी का मतलब है फीमेल, एंड्रो का मतलब है मेल. सो स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज कॉल्ड एज गायनेकोलॉजी. इट इज कॉल्ड एज गायनेकोलॉजी. और अगर फीमेल है तो मेल्स में भी तो है, अब मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाएगा क्या? तो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज कॉल्ड एज एंड्रोलॉजी. इट इज कॉल्ड एज एंड्रोलॉजी. Is it okay? And one of the, लिखिया, now listen to me. One of the major difference in males and females. In males, sperm production starts after puberty. Sperms कब बनने शुरू होते हैं? प्यूबर्टी के बाद. Whereas in females, ऑल द एग्स आर फॉर्म्ड बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही सारे एग्स बन जाते हैं. प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? देयर स्टार्ट्स मैच्यूरेशन ऑफ एग्स, राइट? सो राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार डाल के लिखो. इन मेल्स फॉर्म प्रोडक्शन स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, बनने ही प्यूबर्टी पे शुरू होते. फीमेल्स
eggs are formed, ध्यान से समझना है, आर फॉर्म्ड इन ओवरीज इवन बिफोर बर्थ. After puberty, maturation of eggs, बनने नहीं, बन तो पहले गए, mature होने हैं, maturation of eggs start. And remember that, ऐसा नहीं कि ढेर सारे eggs एक साथ mature हो गए, no. And only one egg, you know this, matures each month in one of the ovaries. किसी एक ओवरी में एक एग मेच्योर होता है हर महीने. और इसी से ही रीजन आएगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ मेनोपॉज. राइट डाउन फर्स्ट दिस. जैसा Done. So next is cause of menopause. जब लिमिटेड नंबर में एग्स है तो एक स्टेज होगी व्हेन देयर आर नो एग्स लेफ्ट इन द ओवरीज. सो व्हेन देयर आर नो एग्स लेफ्ट इन द ओवरीज, no egg maturation occurs, no sex hormones, and thus no menstrual cycle. Right? So cause of menopause is, so you can say at age of 45 to 50 years in females, what happens? No eggs left in ovaries. Therefore, no sex hormones. And thus, no menstrual cycles. In males, there is continuous production of sperms, but in females, there are limited number of eggs. These things are not given in books, but these things you have to understand, right? And that is why, बेटा सेक्स हॉर्मोन्स का ये मैं फीमेल्स को स्पेशली बता रही हूँ कि, और बॉयज को भी इसलिए ताकि आपकी सिस्टर्स होंगी, आपकी मदर्स है, तो उनको कहो कि न्यूट्रिशन लेनी है. आप क्या है, रिमेम्बर हियर, लिसन एवरीबडी, सेक्स हॉर्मोन्स का काम सिर्फ, फीमेल्स की बात मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन का नहीं है. They helps in absorption of calcium and storage of calcium in the bones. So sex hormones in females helps in strengthening of the bones, strengthening of the nerves, strengthening of the brain. When after menopause, there are no sex hormones.
The females cannot absorb much calcium, right? That is why in females, after menopause, the bones become weak. तो उनकी बोन्स कब स्ट्रॉन्ग होती है? जब उन्होंने मीनोपॉज से पहले कैल्शियम रिच फूड खाया है, जब उन्होंने प्रोटीन्स लिए हैं। इसलिए लड़कियों के लिए स्पेशली, फीमेल्स के लिए, मेल्स में ऐसी नहीं है, बट फीमेल्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक मिल्क, टू टेक कर्ड, टू टेक लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, सो दैट दे स्टोर कैल्शियम इन देयर बोन्स, ताकि मीनोपॉज के बाद अगर उनको ज्यादा कैल्शियम नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, बोन्स में पहले से ही कैल्शियम पहले स्टोर्ड है। सो न्यूट्रिशियस फूड सबके लिए जरूरी है, बट न्यूट्रिशियस फूड इज मोर रिक्वायर्ड बाय द फीमेल्स। दो चीजें, एक तो मीनोपॉज के बाद न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में ज्यादा नहीं रहती है, दूसरी बात, सेकेंड थिंग, When they bear the child, जब they carry the child, then maximum nutrition from their body is taken by the child. If the female does not have proper nutrition, then they become weak after child birth. उनकी bones बहुत weak हो जाती है। इसलिए nutritious food is more required by females than males. जबकि हमारी society में क्या है? कि लड़कों को ज्यादा दे दो, क्योंकि इन्होंने बाहर जाके काम करना है, इन्होंने ऑफिस जाना है, इन्होंने पैसे कमाने हैं, लाइक दैट। इसलिए लड़कों को ज्यादा, कोई बात नहीं, लड़कियों ने तो घर में ही रहना है, क्या काम है, उनको थोड़ी सी एक फुल्का कम दे देंगे, उनको थोड़ा सा कम दूध मिल जाएगा, बट नो, ठीक है। बायोलॉजिकली फीमेल्स रिक्वायर मोर न्यूट्रिशन, क्योंकि मीनोपॉज के बाद न्यूट्रिएंट्स ज्यादा काम नहीं करते हैं उनकी बॉडी में। और दूसरी चीज, जब व्हेन दे कैरी द चाइल्ड, देन मैक्सिमम न्यूट्रिशन ऑफ देयर बॉडी गोज टू द चाइल्ड। अगर फीमेल में उसी टाइम खाने से नहीं काम चलता कि वो 9 महीने उनको खाना दे दो, उसके बाद मत दो, नहीं, जो पहले से उनकी बॉडी में स्टोर्ड है वो ज्यादा काम करता है, ठीक है। इसलिए गर्ल्स ने, हाय हमें दूध नहीं अच्छा लगता, पिज्जा दे दो, है ना, नहीं, डोंट डू दिस, बिकॉज, है ना, वेन यू कम टू माई एज देन आई विल, मैं भी आपकी तरह से थी, रहने दो, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है ना, बट देन एट द लेटर एज वी विल रिक्वायर, है ना, वी विल थिंक कि आए काश हमने उस टाइम काम ये खाना खा लिया होता, दूध पी लिया होता, दही खा ली होती, राइट। सो एवरी फीमेल, और अभी नहीं सोचते, छोटे बच्चे हो ना, अभी तो बॉडी आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है, मजेदार है बॉडी, है ना, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, बट न्यूट्रिशन एट दिस टाइम, जो आप इस टाइम ले रहे हो, वो आपको लेटर एजेस में काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं और टॉक्सिन्स भी स्टोर होते हैं। आप कहोगे हम तो पिज्जा खाते हैं, हम तो बर्गर खाते हैं, हम तो हफ्ते में 2 बार खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, बट दैट टॉक्सिन्स दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड दे विल शो देयर इफेक्ट आफ्टर द एज ऑफ 40, राइट। आई डोंट से कि मत खाओ पिज्जा, कभी कभी तो खाना चाहिए, बट टेक मोर न्यूट्रिशियस फूड फॉर योर हेल्दी ओल्ड एज, ठीक है, इज इट ओके? सो दिस इज कॉज ऑफ मीनोपॉज। देन वी कम टू नेक्स्ट, हम आ जाते हैं, हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, मेन साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अगेन 8th A गुरकी रथ, व्हाट इज द ड्यूरेशन, क्या ड्यूरेशन है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की? हाँ जी, गुरकी रथ 30 ईयर्स थर्टी इयर्स बेटा, एक, हाँ, सॉरी 30 days, 28 to 30 days, ठीक है। सो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है 28 to 30 days, बट अगेन हम ये जनरलाइज्ड बात करते हैं, कईयों के 21 days, 25 days, बट रेगुलर उतनी ही ड्यूरेशन की होनी चाहिए, दैट इज हेल्थ, राइट, बट जनरलाइज्ड मोस्टली ये है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय,
सेक्स हॉर्मोन्स। से इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है जी, अब मैं जो बता रही हूं ध्यान से सुनना है। जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन जो है बेटा, इट इज लाइक अ लेबर जो बिल्डिंग बना रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो फिर लिखना। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये एक लेबर की तरह काम कर रहा है। कैसे? कॉज मैच्यूरेशन ऑफ एग। ठीक है, और क्या लेबर की तरह काम किया इसने? कॉजेस डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ यूट्रस वॉल एंड मेक्स इट थिक। ईस्ट्रोजन ने क्या किया? यूट्रस की वॉल को थिक कर दिया। क्यों थिक किया? फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो दैट वी हैड स्टडीड इन लास्ट चैप्टर। तो ईस्ट्रोजन का काम है उसको थिक करना और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स यू नो। बट जो प्रोजेस्ट्रॉन है इट इज लाइक, है ना, हम कहते हैं चौकीदार। लेबरर ने घर बनाया और उसकी रखवाली कौन कर रहा है? चौकीदार कर रहा है। लेबरर ने क्या किया? यूट्रस की वॉल को थिक किया और उसको मेंटेन कौन कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का क्या फंक्शन है? इट मेंटेन वॉल ऑफ यूट्रस। ये बना रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, और अगर चौकीदार नहीं होगा तो यूट्रस की वॉल को कोई तोड़ जाएगा। ठीक है, इट विल ब्रेक ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। इज इट ओके? लिखा ये दो चीजें याद रखोगे, देन यू विल इजीली डू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट डाउन, इट इज द मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट इज द मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। विच स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। विच स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी एंड कॉन्टिन्यूस अप टू मीनोपॉज। वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 28 डेज। वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 28 डेज। इट हैज फोर फेजेस। इट हैज फोर फेजेस। ये जो है ये बनाना, पहले समझो फिर लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो है हम क्या कहते हैं, दिस इज
मेंस्ट्रुअल फेज, और दिस इज ब्रीडिंग फेज। आपने मुझे बताना है, यू विल टेल मी, मैंने आपको दोनों हॉर्मोन्स का बताया, इन विच फेज देयर इज ईस्ट्रोजन, इन विच फेज देयर इज प्रोजेस्ट्रॉन, इन विच फेज देयर इज नो ईस्ट्रोजन नो प्रोजेस्ट्रॉन, यू विल टेल मी। दिस बी फेज, दिस फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज। दिस सी इज ओव्यूलेशन एंड डी इज सिक्रीटरी फेज। यहां पे देखो, फर्स्ट पहले दिन से लेकर पांचवें दिन तक क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज है। फिफ्थ से 13th डे तक ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है ये। फिफ्थ से 13th डे प्रोलिफरेटिव फेज है। 13th to 15th डे ओव्यूलेशन हो सकती, किसी भी दिन, ये नहीं कि रेगुलर हो रही है, किसी भी दिन ओव्यूलेशन हो सकती है। 15 से 28 डेज तक क्या है, देयर इज सिक्रीटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है, ब्रेकिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, ब्रेकिंग ऑफ थिक यूट्राइन वॉल, यूट्रस की जो वॉल थी, जो थिक थी, वो टूट गई। दैट कम्स आउट थ्रू विजाइना, विजाइना आपको पता है, विजाइना ऑफ फीमेल्स एज लॉट ऑफ ब्लड। हॉर्मोन्स आपने बताना है कि कौन से हैं कौन से नहीं है, आई विल आस्क यू देन यू विल टेल मी। ये 5 डेज तक कॉन्टिन्यू रहता है, उसके बाद नेक्स्ट है। यहां पे क्या है, मैच्यूरेशन ऑफ एग एंड रीजनरेशन, जो टूट गई थी वॉल, रीजनरेशन ऑफ थिक यूट्राइन वॉल, यूट्रस वॉल। ओव्यूलेशन की डेफिनेशन यू विल टेल मी एंड सिक्रीटरी फेज। थिक यूट्रस वॉल इज मेंटेन्ड यूट्रस वॉल इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग सिक्रीटरी फेज। नाउ एट ई, एट ई में आ जाइए जी, रोल नंबर 32। यस मैम। आ जाओ बेटा, अब मुझे ये बताइए बेटा कि मेंस्ट्रुअल फेज में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कौन से हैं या कौन से नहीं है, टेल मी।
Which hormone is absent or which hormone is present during menstrual phase? बेटा यहां पर प्रोजेस्टेरॉन, पहली बात तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, मैंने आपको बताया कि चौकीदार की एब्सेंस में यूट्रस की वॉल टूट जाती है और इसमें ना ईस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरॉन है। लिखो यहां पे, एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दोनों हॉर्मोन्स नहीं है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, ना बन रही है और ना संभल रही है, टूट जाती है यूट्रस की वॉल। राइट ऑन, ब्लीडिंग फेज ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज नो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यस, देन फॉलिक्यूलर फेज, जल्दी से हु विल टेल मी विच हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिक्यूलर फेज? एट जी में से, यस एट जी में से सम गर्ल जो पीछे बैठी हुई है, हाँ मिडल रो में जो सबसे पीछे बैठी हुई है, दोनों गर्ल्स आगे आ जाओ, आ दीपिका जाओ, आ जाओ, जल्दी से क्विक बेटा, टाइम हो गया हमारा, फटाफट से आओगे तो हमारा खत्म होगा। यस, नाउ टेल मी प्रोलिफरेटिव फेज विच हॉर्मोन कॉजेस रीजेनरेशन ऑफ यूट्रस वॉल? जोर से, प्रोजेस्टेरॉन की ईस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन है बेटा यहां पर, इट इज कंट्रोल्ड बाय ईस्ट्रोजन। देन विच हॉर्मोन मेंटेन्स थिक वॉल ऑफ यूट्रस? यस प्रोजेस्टेरॉन यस वेरी गुड, मेंटेन इज मेंटेन बाय प्रोजेस्टेरॉन, वेरी गुड। देन व्हाट इज ओव्यूलेशन? यस फ्रॉम एट्थ एफ, समबडी फ्रॉम एट्थ एफ जल्दी से आ जाओ, एट्थ एफ में से रोल नंबर 21, ओव्यूलेशन क्या है? ये तो हमने किया था, एग्जाम में आना है, प्लेसेंटा 22 आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, मैम किसी को भेजो जल्दी से, एनी स्टूडेंट फ्रॉम एट्थ एफ सेक्शन। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग और ओवम बाय द ओवरीज। बिल्कुल ठीक है, दैट इज रिलीज, रिलीज ऑफ एग और ओवम फ्रॉम ओवरी। यस, कैन एनीबडी टेल मी आउट ऑफ दीज फोर फेजेस ड्यूरिंग विच फेज देयर अकर्स फर्टिलाइजेशन? ड्यूरिंग विच फेज फर्टिलाइजेशन अकर्स? एट्थ ई में से, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन फेज की सिक्रीटरी फेज? राइट डाउन क्वेश्चन, लिखो जल्दी से, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? राइट डाउन द क्वेश्चन, लिख लो बेटा, पहले लिख लो फिर मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपसे पूछूंगी। एट्थ ई, पहले लिख लो, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन अकर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्लांटेशन अकर्स? लिख लो क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन अकर्स? नेक्स्ट है, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्लांटेशन अकर्स? फ्रॉम एट्थ ई, मैम जरा भेजे दो बच्चों को फटाफट से, एनी टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एट्थ ई? जल्दी से बोलो, हाँ बेटा बोलो, इन विच फेज फर्टिलाइजेशन अकर्स बेटा?
फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, कब होती है? ये तो बेटा इतना मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है, सामने दिख रहे हैं, सामने आंसर्स है। कब इम्प्लांटेशन होती है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, बिल्कुल ठीक है। यहां पर राइट डाउन, फर्टिलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज, जब एग रिलीज हुआ, स्पर्म्स आए, फर्टिलाइजेशन हो गए। जब एग्स ओवरी में ही है तब थोड़ी होगी। सो फर्टिलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज, 13th टू 15th डे ऑफ द साइकिल, एंड ड्यूरिंग विच फेज इम्प्लांटेशन अकर्स? बोलो, 8th जी में से बोलो बेटा। बिल्कुल ठीक है, जब थिक एंडोमेट्रियम हो जाएगी, जब मेंटेन हो रही है इधर, तो अगर थिक एंडोमेट्रियम यहां भी है, बट यहां पे तो फर्टिलाइजेशन ही, फर्टिलाइजेशन यहां पे हुई है, तो उसके बाद ये इम्प्लांटेशन होगी। सो इम्प्लांटेशन अकर्स ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज। अब बेटा लास्ट पॉइंट मैं जो आपको बता रही हूं, तो व्हाट हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ध्यान से समझना है। आपका टाइम ऑल्दो हो गया है, बट हम ये कंप्लीट करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जो थिक वॉल थी, ध्यान से, ये जो थिक वॉल थी विच इज मेंट फॉर इम्प्लांटेशन, इट ब्रेक्स। तो रिमेंबर दैट मेंस्ट्रुअल साइकल्स कॉन्टिन्यू, इफ नो प्रेगनेंसी। इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी, ओनली देन मेंस्ट्रुअल साइकल्स अकर। देयर इज फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए, सिक्रीशन ऑफ लॉट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन ड्यूरिंग 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, और प्रोजेस्ट्रॉन का क्या काम है? मेंटेन्स एंडोमेट्रियम थ्रू आउट प्रेगनेंसी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है थिक एंडोमेट्रियम है, देयरफॉर नो ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई नए एग्स मैच्योर नहीं होंगे, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, या हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकल्स टेम्परेरली स्टॉप्स
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला साइन प्रेगनेंसी का क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई। टाइम ओवर। हाँ, बस मैं लास्ट पॉइंट ही आपको बता रही हूँ, आई नो दैट। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार सुनना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये ओवरी है, ओवरी ने क्या सिक्रीट किया? ईस्ट्रोजन। ध्यान से समझो, समझने वाली बात है, लिखने वाली नहीं है। ईस्ट्रोजन ओवरी सिक्रीट, ईस्ट्रोजन, दिस ईस्ट्रोजन कॉजेस मैच्यूरेशन ऑफ एग, मेच्योर एग, एंड साइड बाय साइड दिस ईस्ट्रोजन ऑल्सो मेक्स थिक वॉल, दिस इज थिक वॉल ऑफ यूट्रस, इट रीजनरेट्स, इट क्रिएट्स थिक वॉल ऑफ यूट्रस। देन इसने क्या किया, एग मेच्योर कर दिया, और साथ साथ हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इमीडिएटली कैसे थिक वॉल होगी, तो पहले थिक वॉल करके रखती है ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए। फिर 13th to 15th डे में क्या हुआ, ये ओवरी है, ओवरी से ये एग रिलीज हो गया, दिस इज ओव्यूलेशन। और दो केसेस आ जाते हैं इसमें, लो फर्टिलाइजेशन, ध्यान से इधर देखो, या फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, जाइगोट से बना मोरूला, और मोरूला ने बनाया ब्लास्टोसिस्ट, और ये हो गया इम्प्लांटेड इन यूट्रस, ऑब्वियसली थिक वॉल ऑफ यूट्रस। अच्छा एंड इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट और एम्ब्रियो, यूट्रस, ध्यान से, यूट्रस वेट्स फॉर एम्ब्रियो फ्रॉम 15th टू यू नो 24 days। इतनी देर तक यूट्रस वेट करती है कि शायद आ जा जाए, शायद आ जा जाए, शायद आ जाए। नो एम्ब्रियो, जिसकी वजह से नो फर्दर सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स की सिक्रीशन रुक जाती है, और उसके बाद थिक वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक्स, वो कहती है मेरी जरूरत नहीं है, तो थिक वॉल ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स एंड देयर अकर्स
मेंस्ट्रुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? जल्दी से ये नोट कर लो कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तब क्या होता है, इफ नो फर्टिलाइजेशन हो देन व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट हैपेंस एंड हाउ इट हैपेंस टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, या फिर इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स. ठीक है जी, ये नोट कर लो. एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल रिवाइज बोथ द चैप्टर्स. ये कर लो और फिर हम दोनों चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड एडोलेसेंस का. अच्छा मुझे ये बताओ, डिड यू गेट द असाइनमेंट ऑफ एडोलेसेंस और नॉट? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? ओके नो नो प्रॉब्लम बेटा, आपको क्लास में करवा दूंगी, ठीक है? जिसने कर लिया इट्स ओके, नहीं तो ये फटाफट करके जाना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. ओके